गलती ट्रैक्टर वाले का था लेकिन भरा कोई, देख रहे हो। गलती कोई करे भरे कोई। भाई पूरा खून ही खून है यार, पूरा गाड़ी टेढ़ा होकर चल रहा है। ये तो कैसे भाई, इसमें क्या बीमारी है इस गाड़ी में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। साहब मस्त लग रहा है यार, एक नंबर भाई। इसमें है मिर्चा लोडिंग, ठीक है आइसर अंडर लोड में चल रहा है भाई, एक नंबर। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। भाई सुबह का टाइम है, चल रहा है अपने गाड़ी का साफ सफाई क्योंकि आज है बुकिंग में भी निकलना है। और भाई दीपावली तक खत्म हो चुका है, छठ पूजा आने वाला है, तो छठ पूजा आने से पहले ही आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का एक कमेंट काफी आ रहा था कि भाई आगे का टायर चेंज करवा लो, तो फाइनली भाई चेंज करवा लिया है। भाई साहब ये देखो कितना गोटी वाला टायर लग चुका है। आप लोगों को पता ही है पीछे का टायर का जो प्लाई है वो छोड़ दिया था, तो आप लोगों का ये भी कमेंट था भाई रिंग से खराब हो रहा है। अब आप ही लोग बताओ भाई रिंग में क्या प्रॉब्लम है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। कमेंट करके आप लोग बताना कि रिंग में क्या प्रॉब्लम है, उसके से प्लाई छोड़ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल टायर हो चुका है नया, मतलब दोनों ही टायर एक साथ मैंने न्यू लगा दिया है। आप सबको गुड मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह गाड़ी का हम लोग का साफ सफाई चल रहा है। और ये देख रहे हो भाई पूरा फट के ये हो चुका है अलग, ये देखो ठीक है, ये देख रहे हो बहुत खतरनाक चीज है, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होता है। कंपनी में ऑर्डर दिया था यार, लेकिन अभी तक कंपनी वाले ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया इसके लिए। ये देखिए पूरा जो है फट के अलग हो चुका है भाई। गाड़ी जब साफ सफाई रहता है ना तो चलाने में मजा आता है। क्या बोलते हैं गाड़ी का साफ सफाई हो चुका है कंप्लीट, अभी थोड़ा गाड़ी का पंखा खराब है जा रहा है उसी को भाई। निकल चुके हैं हम लोग पंखा बनवाने के लिए, गाड़ी का पंखा दिखा दे आप लोगों को, ये देखिए पूरा खराब हो चुका है अभी जा। तो भाई यहाँ पे पंखा खुल के आ चुका है, मिस्त्री साहब अभी इसको बना रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ से नट इसका गिर गया है। तो पंखा तो बन ही रहा था, गाड़ी की तो साइड में लगा दिया, पोषण यहाँ पे खड़ा होकर पंखा बन रहा है। और चाय पीते हैं भाई, चाय पी लो। तो यहाँ पे दादाजी लगा रहे चाय, दो चाय लग चुका है भाई अपना चाय। लोडिंग भी कंफर्म हो चुका है हम लोगों का, अभी हम लोग जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए। सोच ही रहे थे कि आज लोडिंग हो पाएगा कि नहीं, तो लोडिंग भी कंफर्म हो चुका है। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं अभी लोडिंग पॉइंट पे, गाड़ी को करवाते हैं लोडिंग। हमें भाई जाना है दुर्गापुर। पूरा देख सकते हैं माल यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ना सेम का काफी ज्यादा आमदनी बढ़ गया है और कुछ दिनों में खत्म भी होने वाला है। भाई यार गांव के अंदर आने के बाद ना कुछ मजा ही अलग आता है यार, क्योंकि पूरा हरा भरा रहता है, एकदम अच्छा लगता है देखने में। भाई लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं इधर हमारे सोनू भाई, और इधर ये देखो ये तो दोनों भाई आ चुके हैं यहाँ पे लोडिंग करने के लिए। तो कल आए थे सोनू भाई, आप क्या लेके आए उधर से? हम आए थे परवल लेके, परवल लेके चनुआ खा लेके है ना। तो चलिए अभी देखते हैं बंगाल पहुंचने के बाद वहाँ से हमारा क्या लोडिंग होता है। लोडिंग का था पता अभी नहीं चल रहा है, तो डाउन है मार्केट। हाँ तो भाई साहब नाश्ता करने के लिए यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, रुके नहीं है। एक तो हम लोग लोडिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं, सुबह सुबह घर से निकल गए थे, नाश्ता किया था ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से भूख लग गया। तो यहाँ पे हम लोगों का लग रहा है छोला, ये देखिए छोला, और यहाँ पे है ब्रेड, तो चलिए खाते हैं। फिलहाल पोषण वहीं पे उतर गया है क्योंकि दो लोग आगे बैठ के जा नहीं पाते, दिक्कत होता, इसीलिए हमने सोचा भाई उतार देते हैं उसको, अभी जा रहे लोडिंग करने के लिए। लोडिंग भी चालू हो चुका अपने गाड़ी का। तो चलिए एक जगह से लोडिंग हो चुका है, अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, फटाफट लोडिंग करवाते हैं। गाड़ी में हो रहा है सेम लोडिंग, देख सकते हैं यहाँ पे। भाई लोडिंग तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हमको निकलना है, सिर्फ और सिर्फ तिरपाल रस्सा करना है। अब हम ये सोच रहे हैं कि तिरपाल लगवाएं या फिर जो बंगाल का चटाई हमारे पास बचा हुआ था चटाई लगवाएं। भैया ये चटाई लगवा लेते पोषण, चटाई लगाइए चटाई, ठीक है इसी को लगा के टाइट करिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग का लोडिंग हो चुका है कंप्लीट, हम लोग निकल चुके हैं सफर पे। तो निकलने से पहले एक बार महादेव का नाम हो जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव,
जय श्री राम, जय जय सीताराम। पहुंच चुके अपने डाफी टोल प्लाजा पे, अभी निकलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे इधर मैडम लोग काम कर रही हैं और भाई साहब हैं यहाँ पे। चलिए तो भाई पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप, पहले डीजल टैंक करवाएंगे फुल। गाड़ी को साइड में तो लगा दिया है और भाई साहब कर रहे हैं अपना डीजल टैंक फुल, तो चलिए फुल करवाएंगे। और कैश पैसा अपने पास है नहीं, भैया को बताया, भैया बोले चलो जितना भी हो पाएगा हेल्प कर देंगे, मतलब इनको गूगल पे कर देंगे और इनसे हम कैश ले लेंगे। तो चलिए फुल करवाते फिर निकलते हैं यहाँ से। तुम पानी भर लो भाई, ठीक है, 110 कर दीजिए। तो फिलहाल रुके हवा भरवाने के लिए, पेट्रोल पंप से डीजल भरवा के निकला। मुझे लगी रहा थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि कल ही मैंने इसको चेंज करवाया, परसों को वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। तो 90 है ना भैया, तो पिकअप वाले कितना हवा रखते हैं? 110, 120 में रखते हैं रेडियल टायर में। भाई साहब तो आप लोग कॉमेंट करके बताइए आप लोग हवा कितना रखते हैं अपने पिकअप में। फिलहाल भैया 110 हम रखवाते हैं और 110 रखवाएंगे भैया, 110 करिए, ठीक है। भाई साहब ये देख रहे हो गाड़ी को, पूरा गाड़ी टेढ़ा होकर चल रहा है, ये देखो ऐसे। भाई इसमें क्या बीमारी है इस गाड़ी में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ अगर किसी को जानकारी हो। भाई गाड़ी सीधा चल रहा है लेकिन गाड़ी का जो पिछवाड़ा है वो टेढ़ा है ऐसे, ठीक है। अब ऐसे क्यों है देखिए, आप लोग देखिए, देखिए खुद ही समझ जाएंगे। देखो भाई इसमें क्या दिक्कत है गाड़ी में, कमेंट करके जरूर बताना आप सब। ओ भाई साहब खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ये देखो भाई साहब, ड्राइवर का नहीं पता चल रहा है, ड्राइवर कहाँ गया अभी, हुआ क्या अभी? ओ और ये भाई पूरा खून ही खून है यार। ओहो अरे एक ट्रक भी देखिए उधर है, ओ भाई ट्रक अभी हुआ है क्या? तुरंत हुआ यार, वो ट्रक वाला उधर है, ये हादसा ट्रैक्टर वाले के वजह से हुआ है क्योंकि जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर वो था। देखो भाई देखो, उतर के देखो पोजीशन क्या हुआ। कोई फंसा है क्या? गलती कोई करे भरे कोई, गलती कोई करे भरे कोई। ट्रैक्टर वाला क्या किया था, ट्रैक्टर वाला इधर से आ रहा था और ये डिवाइडर देख रहे हो, देखो इसके ऊपर से जाने का कोशिश कर रहा था और ये ट्रक वाले बेचारे उसके चक्कर में फंस गया यहाँ पे, ये देखो। गलती ट्रैक्टर वाले का था लेकिन भरा कोई, देख रहे हो भाई ट्रैक्टर वाले के चक्कर में हुआ इसके साथ हादसा खतरनाक वाला, क्या ही बताया जाए भाई साहब। सब कोई बता रहा है शायद जो ट्रक जो गिरा हुआ है कंटेनर, बोल रहा है कि उसका ड्राइवर सही है, मतलब जो खलासी है शायद नहीं बच पाएगा, बहुत हालत ख़राब है। और बाकी भीड़ तो लगा ही हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, तो चलिए हम लोग निकला जाए। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिए, जहाँ से कट हो गाड़ी को वहीं से मोड़ो, ये नहीं कि इसके ऊपर से आप मोड़ लोगे तो जो पीछे वाला गाड़ी है जो आ रहा है उसको तो पता है कि कहीं से इधर से कट है नहीं, वो बंदा आगे से ही घुमाएगा। अब झटके में कटोगे तो पीछे वाला गाड़ी कंट्रोल थोड़ी कर पाएगा यार, वो तो बिड़ा ही देगा। ऊपर से आप पाइप ऊपर से लोडिंग करके रखे हो, मतलब ले दे क्या, गलती ट्रैक्टर वाले का था, खतरनाक सीन यहाँ हो चुका है। भाई थोड़ा सा सही से चलाओ यार, किसी के वजह से किसी का यहाँ पे जान जाने वाला है, समझ साहब। मस्त लग रहा है यार, एक नंबर आरजे राजेश आरजे, ये देखो मतलब ऐसा कोई गाड़ी आपको दिखे लगा तो ना। हाँ भाई वो भाई इसमें है मिर्चा लोडिंग, ठीक है आइसर अंडर लोड में चल रहा है भाई, एक नंबर। क्या हाल है भाई, वीडियो देखते हो? अरे वाह, क्या अंडर लोड है ना ये, कितना टन की पासिंग है? अरे भाई कहाँ से लोडिंग हुआ है? इलाहाबाद से मिर्चा, कहाँ जा रहे हो? ठीक है छापे रहो, कल की मंडी है ना, आज रात को, चलो हम भी चल रहे हैं उधर ही बंगाल, चलो ठीक है। पहुँच चुके हैं डेरी ऑनसोन ब्रिज, देख सकते हैं इधर का नज़ारा, अभी से इधर ओस गिरना चालू हो चुका है, चुके हैं बॉर्डर। तो ये भाई धोबी बॉर्डर, धोबी चेक पोस्ट, अब हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे झारखंड में, मतलब बॉर्डर से तो बाहर निकल के चले आए हैं। भाई एलसीडी में चल रहा है सॉन्ग और फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं कहाँ पे बताओ,
डुमरी टोल प्लाजा तो 20 किलोमीटर है, लेकिन यार हम लोगों का सफर बढ़ गया पता है। तो इधर हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं। अरे भाई कहाँ से आप लोग? हम बालूरघाट। अच्छा बालूरघाट। ओ भाई यहाँ वहाँ पे गए थे एक बार, दो बार जा चुके हैं बालूरघाट। आपका ब्लॉग देखते हैं, बहुत देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप लोग उधर ही से मतलब कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जाएंगे मालदा। जाएंगे मालदा। कहाँ से लोडिंग की है? रांची। रांची से गाजर है क्या? नहीं ये मिट्टी आलू। अच्छा 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 अच्छा। तो उधर से कुछ लेके आते हैं क्या आप लोग? नहीं खाली गाड़ी है। खाली गाड़ी है इधर से लेके जाने के लिए? अरे वाह। तो चलिए फिलहाल भाई के साथ में थोड़ा फोटो कर लेते हैं, फिर भाई हम भी निकलना है, लेट हो रहा है हमको भी इधर पोसन। तो चलिए फोटो लेते हैं भाई के साथ फिर निकलते हैं। तो आसनसोल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 25 माल उतारना मतलब 25 बोरी यहाँ पे माल उतारना है, उसके बाद दुर्गापुर पहुंचना है। तो पोसन ऊपर चढ़ चुका है, रस्सी खोल दिया, तिरपाल खोल दिया मतलब चटाई बना हुआ था। तो पहलवान भैया लोग खाली कर रहे हैं इस गाड़ी से, मतलब अपनी गाड़ी से माल होगा पलटी मैजिक में, तो मैजिक वाला फिर कहीं पे लेके जाएगा, उससे हमसे नहीं मतलब है। तो चलिए जो 25 बोरी है खाली करवा के फटाफट यहाँ से दुर्गापुर निकलते हैं। तो गाड़ी खाली करके निकल चुके हैं भाई दुर्गापुर के लिए। ये भाई आसनसोल मंडी। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गापुर और वीडियो माई को नींद आ रहा है बहुत जबरदस्त वाला। भयंकर भाई भयंकर आ रहा है। बस 10 किलोमीटर बाकी है, आना है तो आओ हम चलाए। 10 किलोमीटर तो खींच लेंगे, टेंशन नहीं है। तो भाई हम लोग नेशनल हाईवे छोड़ चुके हैं, अभी हम लोग दुर्गापुर के लिए दुर्गापुर वाला हाईवे पकड़ लिया, दुर्गापुर मंडी के लिए। ये नीचे नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता रोड और हम लोग अभी जा रहे हैं दुर्गापुर मंडी। तो हम लोग का गाड़ी आसनसोल में आधा गाड़ी खाली हो चुका है, आधा गाड़ी जो है दुर्गापुर में खाली होगा। जाना था हम लोग को वर्धमान, लेकिन पार्टी बोला कि दुर्गापुर में ही पूरा गाड़ी खाली हो जाए। तो भाई पूरा गाड़ी खाली हो चुका है, एक बार आप लोग भी देख सकते हैं आप पीछे। दुर्गापुर गाड़ी खाली करने के बाद निकले हैं, दुर्गापुर टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया। नींद तो भयंकर वाला आ रहा है, फिलहाल पोसन चला रहा है गाड़ी, क्योंकि अब हम लोग का सफर बचा है 12-13 किलोमीटर दूर पहुँचेंगे, वहाँ जाके सोएंगे रात भर, क्योंकि अभी बज रहा है कितना पोसन, 2 बज रहा है ना, अभी 2:00 हो रहे हैं। हम लोग रात भर सोएंगे, सुबह देखेंगे कहीं का लोडिंग होगा तो निकलेंगे आगे, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं ढाबा और सोते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग में। तो भाई हो चुका सुबह आप सबको मॉर्निंग, रात को भाई गाड़ी अपना हो चुका था खाली। गाड़ी खाली करने के बाद हम पानागढ़ के आसपास आ चुके थे। एक्चुअली इतना भयंकर नींद लग रहा था, हम लोग आगे जा ही नहीं पाए, मतलब हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो इधर ही सो लेते हैं, मॉर्निंग में जैसा होगा देखा जाएगा। तो आज ही के दिन भाई अपना लोडिंग भी है, तो क्या लोडिंग है कहाँ से लोडिंग है सब कुछ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे। तो फिलहाल अपना गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, फ्रेश हो लिया हम लोगों ने, पोसन फिलहाल अपना मुंह को कर रहा है साफ। तो चलिए छोटा सा ब्लॉग को ही पेंड कर रहे हैं और आपसे पूछते हैं भाड़ा कितना लगा वाराणसी से दुर्गापुर का। एक्चुअली देखो 2 मेरा माल खाली हुआ है, आसनसोल मंडी में और एक दुर्गापुर मंडी में, और हमें वर्धमान भी जाना था लेकिन माल मेरा पूरा दुर्गापुर में उतर गया। तो चलिए आपको जब इधर से लोडिंग करके हम जाएंगे वाराणसी, तो आपको भाड़ा बताएंगे कितना टोटल भाड़ा अपना लगा था, क्योंकि बजट इधर उधर हो जाता है कभी कभी, कभी तेल 1000 का ज़्यादा पी जाता है, कभी 1000 का कम पी जाता है। तो सब कुछ आपको जोड़ने के बाद नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार में बस सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।